तो प्लास्टिक के जग बनाने वाली कंपनी तो बॉटम में होल कभी कर ही नहीं सकती है। प्लांट पॉट में बॉटम में ये होल कितने जरूरी हैं, तो वो इस तरह की दुविधा खड़ी कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हनी के चैनल पे आज हम थोड़ा हट के ऑर्गेनिक कंटेंट साझा करते हैं। आप ये सुंदर पॉट तो देख पा रहे होंगे जिसमें प्लांट्स लगे हैं, तो आज मैं इन पे कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। और जैसा कि मुझे कमेंट करने की आदत सी हो गई है, क्योंकि आज दुनिया में जितना भी कंटेंट बन रहा है उसमें कमेंट सेक्शन बड़ी अहमियत रखता है उन लोगों के लिए जो कंटेंट बनाते हैं, तो आप भी इस पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन तो बहुत सुंदर लग रहा है जिसमें हैंगिंग प्लांट्स लगे हैं, और इस एक एग्जांपल से मैं आपको मेड इन इंडिया जो मॉडल है उसके एक लूप होल को मैं यहाँ पे स्पष्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये जो प्लांट है इस पॉट के अंदर पानी भर गया है, और रात बारिश आई थी, यहाँ तक तो बहुत अच्छा हुआ प्लांट्स के लिए, लेकिन इस प्लांट से ज़रा हम थोड़ा गुफ्तगू कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये प्लांट तो इसका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। ये प्लांट यहाँ गलना शुरू हो गया है, और इसमें ये जो गलावट हुई है ये एक्सेस वाटर की वजह से हो गई है। तो क्योंकि हम मधुमक्खियों से काफ़ी नज़दीकी रखते हैं तो हमें प्लांट्स के बारे में भी जानकारी हो जानी स्वाभाविक है। तो मैं इस प्लांट की हेल्थ को देख पा रहा हूँ, तो इस मॉडल में ये प्लांट फिट नहीं है, और इसके पीछे कौन जिम्मेवार है या फिर क्या गलती हुई है इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ इस कंटेंट में। तो यहाँ पे इस सुंदर मॉडल के बारे में मैं बताता हूँ। तो ये किसी सुंदर व्यक्ति ने ये इतनी सुंदर मॉडल को चुना है इन प्लांट्स के लिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस कंपनी ने इस मॉडल को डिज़ाइन किया है या इस कंपनी ने जो मॉडल ये चुना है उसकी एक हकीकत बना देता हूँ। जो पॉट है ये एक कंपनी है जिसका नाम इन्होंने चुना है जर्मन प्लास्ट। वाओ, तो जो ये जर्मन शब्द इन्होंने कॉपी कर लिया है, तो जर्मन शब्द तो उस देश से जाना जाता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन में महारत हासिल की हुई होती है, उसके लिए हम जर्मन टेक्नोलॉजी जर्मन शब्द को ज़्यादा जानते हैं। तो इन्होंने ये शब्द का कॉपी तो कर लिया है, लेकिन इनका देखिए बेवकूफ़ी और नासमझी का अंदाज़ा आप इस एग्जाम्पल से लगाना। दूसरा, इन्होंने एक फैंसी जग इस मॉडल को नाम दिया है, तो मुझे लगता है कि ये लोग प्लास्टिक के जग बनाते होंगे और उसी सीरीज में इन्होंने ये डिज़ाइन नंबर 9560-5611 मेड विद लव इन इंडिया। वाओ, कितने सुंदर शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, तो इसका परिचय मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये पॉट बनाया है तो इसमें कहीं पे भी एक्सेस वाटर ड्रेन आउट करने के लिए कोई जगह नहीं है, जो कि किसी भी प्लांट पॉट के लिए एक फंडामेंटल एक तरह से प्रिंसिपल है, जो आप यहाँ देख सकते हो किसी भी एक प्लांट के बॉटम में इस तरह से सुराख किए जाते हैं, ये इसलिए कि एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो सके। तो यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया की आज जो हकीकत है वो आपसे आपके सामने आ गई है। तो प्लास्टिक के जग बनाने वाली कंपनी तो बॉटम में होल कभी कर ही नहीं सकती है, तो जब ये लोग प्लांट्स के लिए पॉट बनाएंगे तो वो इस तरह की दुविधा खड़ी कर देंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि प्लांट पॉट में बॉटम में ये होल कितने ज़रूरी हैं, और एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए उनकी कितनी बड़ी अहमियत है। तो ये नासमझ लोग किसी भी मॉडल में जब अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं
तो वो इस तरह के शापे, इस तरह की दुविधा खड़ी कर देते हैं। तो ये दुविधा क्यों हो जाती है? वो इसीलिए हो जाती है कि जब नासमझ लोग किसी भी ऐसे धंधे में घुस जाते हैं जिनको उस धंधे की बारीकी या उस धंधे के बारे में नहीं पता, तो वो इस तरह की नासमझियां करेंगे ही। जैसे कि ये प्लास्टिक के जग बनाने वाली कंपनी ने इस मॉडल के डिज़ाइन को कहीं से चुरा लिया और अपना नाम रख दिया जर्मन प्लास्ट। तो ये बेवकूफ़ लोग इस तरह से दुविधा खड़ी करते थे हैं। तो आज मैंने इस एग्जांपल से, इस ऑर्गेनिक कंटेंट से आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि किस तरह से फैंसी शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग जिनको समझ नहीं है वो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी देर सवेर सामने आ जाती है, जैसा कि इस पॉट के मॉडल के अंदर बिल्कुल स्पष्ट सामने है। ये आप देख सकते हो, फैंसी जग। तो मेरा तो ये मानना है कि इन लोगों को जग बनाने तक तो इनका ठीक रहा होगा, लेकिन जब ये प्लांट्स के साथ और फार्मर्स के आसपास पहुंचेंगे तो ये फार्मर्स इनको इतने जूते मारेंगे कि इनको समझ आ जाएगा कि तुम किस धंधे में हाथ डाल रहे हो। यहाँ पे ये मिट्टी के दाग हैं, यहाँ आपको दिखेगा कोई इसमें होल नहीं है, ये इसका इंजेक्शन मोल्डिंग का पॉइंट है, ठीक है, जो इन्होंने ये कट किया है। तो यहाँ पे कोई होल का मार्क नहीं है क्योंकि इनके दिमाग में ही नहीं था, क्योंकि प्लास्टिक के जग बनाने वाली कंपनी के दिमाग में बॉटम में होल कभी 7 जन्म भी नहीं आ सकता, या फिर वो साइंस की समझ रखें या फिर उन्हें प्लांट्स के बारे में समझ हो, तब ये संभव हो सकता है। तो मेरा इस कंटेंट को बनाने का बस यही मकसद था कि ये फैंसी लोग फार्मिंग के मॉडल में पूरी तरह से फेल हैं।